मुझे लगा मम्मा भी ड्रॉप करने आ रही है, लेकिन नहीं, मामा सिर्फ हमें यहाँ तक ड्रॉप करने आई थी। बढ़िया होगी वो। फिर मैंने तुम्हें कुछ करते हुए पकड़ा है। बदतमीज। कौन से बाबे के बिल्ली में मैं जा रही हूँ, इधर बैठ कर लिपस्टिक लगाने लगी हूँ। प्लेन से उठा के तो बस में उठा दी। अर्श से फर्श तक का सफर। ओ घुमाते घुमाते जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी की प्रमोशन करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, सब्सक्राइब करें, वोट दें हमें, वोट दें। खतरनाक वाली कराची की सीढ़ियों से गिरना नहीं चाहती, तो मैं इसीलिए आराम आराम से कदम बढ़ाती हूँ। कोई काम नहीं कराया तो यहाँ पे आके ये सारा काम करेगी और इसका शक्ल देखें। Assalamualaikum everyone, this is me Hira Faisal and welcome to my YouTube channel. And here is a surprise, we are coming to Karachi. Basically, ये एक surprise है, थोड़ा सा आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि भी हम कराची क्यों आ रहे हैं। बेसिकली मैं और राबिया वी बोथ आर कमिंग टू कराची, सो उसके पहले हमें पैकिंग करनी है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ है। लेट्स डू पैकिंग। ओके गाइस, अब हम पैकिंग करने लगे हैं। मुझे ना समझ नहीं आ रही कि मुझे ये उतारना है, अभी मैं कैसे जाऊँ यहाँ पे। इतना 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 शदीद मेरी बहनों ने गंद मचाया हुआ है ना, आई प्रॉमिस यू मैंने नहीं मचाया इस पैकिंग के लिए, ये पहले से ही मचा हुआ था। और यहाँ पे कुछ खड़े होने की जगह नहीं है, मुझे वो उतारना है। रात के कोई 3 बज रहे हैं। चलो अभी उतारते हैं, बस गिर ना जाऊँ यहाँ से, और ये बंद नहीं हो रहा। तो फाइनली हमारी जो कोशिश है वो कामयाब हो ही चुकी है, हम गिरे नहीं कहीं इधर उधर। और पैकिंग करते हैं, जदीद नींद आ रही है, सोते हैं, सुबह निकल रहे हैं बहुत जल्दी। दिखाती हूँ, और आप लोग सब हैरान होंगे कि हिरा को ग्लासेस कब लगी, ग्लासेस कब लगी। सो ये एक सस्पेंस है जो मुझे भी नहीं पता कि मैंने ये क्यों लगाई हुई है। सो ओके, सो वी आर रेडी टू गो, बस थोड़े से बाल शाल बांधने हैं। और अम्मा इधर सो रही है, मम्मा आप गुड बाय नहीं कहेंगी, सी ऑफ नहीं करेंगी हमें। और ये मैडम जो है ये रेडी हो गई, हम लोग इंटरेस्टिंग काम कर जा रहे हैं। आप सब हमें सून देखें, आप सब भी पूरा ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये कहना चाह रही हो ना? हाँ, तो मैंने उन्हें पहले कह दिया आखिर से एंड तक ब्लॉग का देखेगा, एंड तक ब्लॉग का देखेगा। और ये पूरी जर्नी दो चैनल्स पे शेयर होगी, मेरे और राबिया के, आपने दोनों की दोनों देखनी है। बड़ी लड़की होगी, मैं बड़ा बैग लेकर जा रही हूं। ये बड़ा बैग तुमने मेरा चोरी किया है, याद रखना यार। सबको ना बताओ मैंने, चलो वो सामान उठाओ और बाहर निकलो, पड़ा हुआ चलो। Guys, we are ready to go. Rabia, चलो, पापा की बेल बार बार दे रहे हैं, वो देखो बुला रहे हैं, गुस्से में है। और मम्मा भी भाग रही हैं हमारे साथ पैकिंग कराने में, जल्दी आए जल्दी। चल चल चल, निकले निकले। मुझे लगा मम्मा भी ड्रॉप करने आ रही है, लेकिन नहीं, मामा सिर्फ हमें यहाँ तक ड्रॉप करने आई थी। बढ़िया होगी वो। चले बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर कल। पापा जी, जब मैंने कैसे जाना था, आप इतनी धीमी गाड़ी चला दिया। आज आप फुल फरारी की तरह गाड़ी चला रहे हैं। आज हमारी एक फरारी बनी हुई है क्योंकि फ्लाइट मिस ना हो जाए, इसीलिए राबिया कंप्लेंस करने से बात है। और मैं राबिया से कंप्लेन करना चाहती हूँ कि राबिया तुमने पैकिंग में ना मेरे साथ इतना सभी साथ दे दिया, और सबसे पहले बैग उठा के गाड़ी में रखा है। कपड़े लाग में रख दिए थे, अंदर बैग में रख देगी। लेकिन शूज मैंने रखे, मुझे टेंशन थी सब कुछ। लेकिन ज्यादा शूज रखे मेरे है नहीं, वो अभी भी आपने मैंने जो निकाले वो पहने हुए। लेकिन ना हाँ, इसने शूज मुझे दी, कैप मुझे दी, सो थैंक यू। और ये अभी हम्प्टी डम्प्टी ना बड़ी अच्छे तरीके से गिरा है, तो वो वाला क्लिप मैंने कैप्चर कर लिया था, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और अभी बाबा हमें अपनी फरारी में छोड़ने जा रहे हैं। फिर मैंने तुम्हें कुछ करते हुए पकड़ा है। बदतमीज। राबिया की एक एक चीज पकड़ूंगी कि राबिया ये कहने पे मजबूर हो जाएगी कि कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। और ये ना मुझे कह रही थी आप लेट हो रही हो, आप उठ नहीं रही हो। पता मोकी, मोकी उठ जा, मोकी यहाँ पे मोकी उठते हैं, कुछ पता नहीं है कि किधर हूँ। सही भी राबे आ रही है। ओके, सो हम लोग पहुँच चुके हैं, सुलेत को अपना सामान निकालते हैं और अपने अब्बा को अलविदा कहते हैं सिर्फ एक दिन के लिए। आज सारा सामान तुम पकड़ोगी बेटा, मैं इसी धूप के लिए। ये क्या लेके आई हो, ये क्या है, ये क्यों लाई हो राबे? सीरियस हो वाकई? शौकी चुन्नी काकी बनती है अपने। चलो चलो, तो मैं हूँ।
माँ भालू लाई है सिर्फ उस बच्चे के साथ खेलने के लिए। ओके सो हम लोग पहुँच चुके हैं, मैं राबिया और राबिया का डैडी जिसको मुझे इस टाइम कुटने का शदीद मारने का दिल कर रहा है। मैं जहाँ पे सामान चेक करवा रही हूँ इसको भी डैडी को भी अंदर रखना पड़ रहा है। आई डोंट नो व्हाई मैं इसके नखरे के उठा रही हूँ। और इस औरत ने कहीं पर भी मेरा हेल्प नहीं की, इतना भारी बैग मैंने अकेली नहीं उठाया। आप ही कह रही हूँ मैं तो अपना एक बस ठीक है ना, अब यही करना है, वापसी पर तुम पैक करोगी तुम ही सब रखोगी ठीक है। तो मैंने ऐसा लग रहा बच्चा गोद दिया हुआ एक एक्स्ट्रा ही। तो अब हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे अपनी फ्लाइट का एंड देन हम निकलेंगे। ऐसे खड़ी है वहाँ जाके जैसे इसका कोई रिश्तेदार जा रहा है उस फ्लाइट में और जैसे सी ऑफ करते खड़ी हुई है तन्हाई की रातों में। अच्छा बाय बाय करिए हम लोगों को, क्या करना नए दोस्त बनाना पसंद करती हूँ। जो मेरे साथ ये दोस्त है मैं उनको छोड़ना चाहती हूँ, कोई तरीका बताए। हाँ कोई जाने वाला वो कहे ओ राबिया मैं जब बोर होती हूँ मैं बुक्स नहीं पढ़ती, मैं अपने लिए बुक्स पढ़ के बोर होती हूँ। मजाक उड़ा रही है कि बुक्स ले आई है, मैंने कहा जब बोर होंगी ना फिर बताऊंगी, तो कहती बोर होते हैं बुक्स नहीं पढ़ती हूँ। तो मैं जब बुक्स पढ़ती हूँ मैं तब बोर होती हूँ। हम ना गलत जगह पे बैठ गए थे, तुम्हें पता है वहाँ पर माई फ्लाइट ही मिस हो जाएगी। ये ना पागल है, कहते ही रापी जाते हुए बोर्ड हो रहे हैं। ये औरत को गुस्सा है मुझ पर कि मैंने पहले आके विंडो से यहाँ पे वीडियो अच्छी बनने की डेफिनेटली यहाँ पे, यहाँ से अगर कोई यहाँ पे बनाने वाला हो तो अच्छी बनेगी। बाबे एक बात पूछना चाहती हूँ। कौन से बाबे के बदले में जा रही हूँ इधर बैठ कर लिपस्टिक लगाने लगी हूँ और वो भी लाल सुर्खी लगा रही है, पिंक नहीं हो जाती है सुर्खी किस लिए चेक करें इसके काम धोखा देती है ऐसे। ओ बेदर्दी हुआ क्या अगर तुम्हारे लिए ना उन्होंने यहाँ पे ये रखा हो इसमें इसमें अधूरी औरत उड़ जाओ घर आ गया। ओ इसने मुझे एक दफ़ा कहा था ओ अधूरी औरत चुप कर जा, उसे उठा रही उसकी शक्ल देख के, ये सोते हुए किसी को नहीं पहचानती है, सोते हुए किसी की पहचान नहीं है, उड़ जाओ बाहर घर आ गया उड़ो। अब मुझे नहीं पता था हमें यहाँ पे मुझे बस में सफ़र क्यों कर रही हो आप? एकदम से मौसम नहीं चेंज हो गया, एकदम से नहीं कर रहा अल्लाह ने हमें प्लेन से उठा के तो बस में उठा दी, अर्श से फर्श तक का सफ़र। ओ शायरी तुम्हारी। अरे हमारे ड्राइवर हमें लेने आए हैं और स्पेशली एस्ट्रोलॉजी का कार्ड लेके मैं लेना चाहती हूँ आपसे। और गाइस आई जस्ट लव दिस बोर्ड, उन्होंने स्पेशल पिंक कलर का रखा है। ठीक है आप ले जाए, थैंक यू।
अकेले और राबिया अभी हम घुमाते घुमाते जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी की प्रमोशन करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, सब्सक्राइब करें, वोट दें हमें, वोट दें। लेकर रहेंगे आज़ादी, जिनको अभी भी कंफर्म नहीं है ना कि कौन है, तो मैं उन्हें ये कार्ड दिखा रही हूँ कि देख लें हम। इस बोर्ड से पहचान रहे हैं। सो गाइस वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी और वेलकम टू कराची। हम लोग पहुँच चुके हैं कराची और अपने लोकेशन पे। ये हमारा भी हम रिवील नहीं कर रहे, देख के नीचे से यहाँ से गिरी ना होना। हम क्या रिवील नहीं कर रहे हैं, क्या तुम कह रही हो? शूट के लिए आए, वो जब एपिसोड आएगी आप देखेंगे तब आपको बताया। राबिया तुम्हारी बिल्ली गिर गई नीचे, धूल में ले गए वो, उल्टा सीधा करके ऊपर लेके जा रहे हैं। सो हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड टाइप काफ़ी मज़े की चीज़ें मिल रही हैं। बिकॉज छोटे होते हमें इन्हीं चॉक वगैरह से ड्राइंग वगैरह करते थे, सो आई रिमेम्बर, और मुझे अपने बचपन की याद ताज़ा हो गई है। राबिया मैडम वहाँ पे बैठ के क्या कर रही है? क्या कर रही हो? मैं ये सारा गन तुमने मारा है, इतना टाइम है तुम्हारे से वेला, सारा गन तुमने मारा। यहाँ पे ना सब ने जिसने यहाँ पे आके शूट किया है ना, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने आके यहाँ पे सिग्नेचर किया, मुझे किसी ने बताया था। उन सब के नेम है, ये सजल लिखा हुआ है और यहाँ पे राबी लिखा हुआ है, आई डोंट नो, मदान लिखा हुआ है, अहद लिखा हुआ है। खैर वो एक डिफरेंट स्टोरी, उन्होंने तो मैं चौकी ले रहा हूँ, भाग जाए इधर से, तेरा नाम नहीं लिखवाना हमने। काफ़ी सारे नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, सब ने जफर लिखा हुआ है, सबने अपने इंस्टाग्राम लिखे हुए ऑफिशियल्स बना के। हम भी अपना इंस्टाग्राम लिख के जाएंगे, यूट्यूब भी, एवरीथिंग। बट आप लोगों को पता है, आप लोग में से किसी ने का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, मेरा चैनल हेरा फैसल के नाम से है। सो यहाँ पे मेरा मेकअप हो चुका है स्टार्ट, और पीछे वो बैठी हुई है सुंडी। ए सुंडी, ए सुंडी, ए सुंडी ने कहा पहले अपना मेकअप करवा लो फिर मैं अपना मेकअप कराऊंगी। और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अपने मेकअप आर्टिस्ट से, कराची की गॉसिप करें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सबकी गॉसिप। आई लव लाहौर एंड आई लव लाहौर टू। मैं कराची का ऐसे नहीं कहूँगी, बिकॉज आई लव लाहौर, आई एम अ प्योर लाहौरी। वैसे मेरे पे वो एग्जांपल बेस्ट लगेगी, एक साइड का हुआ एक साइड का रह गया, भाई बत्ती चलेगी बत्ती नहीं चलेगी, मेरा मेकअप आर्टिस्ट भाग गया। उनको कोई काम पड़ा वो चले गए, उन्होंने नहीं देखा मेरी एक आँख हुई है एक आँख रहती है, चले गए। अब हम उनके मेकअप के साथ थोड़ी सी छेड़खानी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या उनके पास प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं, सारी टेक्निक्स देख लेती हूँ, काम आएंगी मेरे। ओके, सो जो मेरा मेकअप है वो हो चुका है, और मैंने ना ये वाली डार्क पेंसिल लेके अपने जो लिप्स हैं उनको आउटलाइन कर लिया है। और मैं क्या करूँगी, जब इसके अंदर लिपस्टिक लगाऊंगा ना तो ये ज़्यादा प्यारे लगेंगे, और कोई भी कलर। ये ट्रिक बता रही हूँ आपको, आपने कोई भी ब्राउन पेंसिल ले लेनी है डार्क वाली, उसको लेके आपने आउटलाइन पर लगाना है, ऐसे ऐसे करके ना मर्ज करना है ताकि वो आपके नेचुरल लिप्स लगें। फिर आप कोई भी लाइटर शेड लगाएंगे ना आप अपने लिप्स पे, वो बहुत अच्छा लगेगा। सो अगर आपको भी मुझे टिप चाहिए, मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैरान हो रहे हैं, इन्हें तो सारा कुछ पता है। ब्रांड एम्बेसडर ही है ना? हाँ, मैं ब्रांड एक दिन बनूंगी जरूर। आपके मुंह में की शक्कर यार, बड़े दिल मेहरबान है, क्या कहूँ। चले खैर, यहाँ पे सुंडी तैयार हो रही है, सुंडी सुंडी पता नहीं किससे बता रही है। सो तो मेरा जो लिप कलर है वो डन हो चुका है, अब हम लोग अपने कपड़े चेंज कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी क्विक सी ट्रांसफॉर्मेशन। राबिया मैडम मेरी जीन्स पे पता नहीं फातिमा ने क्या गिराया था, यहाँ पे साफ कर रही है। करो ये तुमने क्या शूज पहने हुए हैं? किस चीज़ का एहसान? एक तो ये मैं रेडी होकर आ गई, और मेरा आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी थी, वो दिखा नहीं सकी बिकॉज मेरे कपड़े थोड़े से भी गंदे हुए। आई विश सूख जाए जल्दी, लग नहीं रहा उस तरह से बुरा। अब बस लिप ग्लॉस आ गया और हम जा रहे हैं सेट पे। बस वो मुझे आप ग्लॉस दे दो, एवरीथिंग इज डन, वी आर रेडी टू गो। जो शो था वो मेरा तो ख़त्म हो चुका है, आई एम हैविंग माई चाय, माई चा, और अब मैं यहाँ ख़तरनाक वाली कराची की सीढ़ियों से गिरना नहीं चाहती, तो मैं इसीलिए आराम आराम से कदम बढ़ाती हूँ। इसके बाद है राबिया का शूट, और हम लोग शूट करेंगे, फिर जाके चाय पी के कुछ खाते हैं, एंड देन बाकी की चीज़ें आपको दिखाती हूँ। आगे से कौन आया? खाना लग चुका है। राबिया तुम्हें ऐसे खाना नहीं खाने दूंगी, पहले जाके शो में मनोरंजन करो। हो गया। हाँ
وی آر ڈن. بہت مزہ آیا رابعہ, بہت مزہ. میں یہاں پہ نا صرف آپ کو رابعہ کی چلاکی دکھانا چاہتی ہوں, صرف ایک چلاکی. شوٹ تمہارا ہوا نہیں ہے, کھانے تم سب سے پہلے بیٹھ گئی ہو. یہ نہیں پتا کہ بہن اوپر سے شوٹ کر کے گئی ہے تو پہلے اس کو پلیٹ بنا کے دو. کیا جو خوب کھانے بیٹھ گئی ہے چلاک عورت, سنڈی رابعہ سنڈی. مذاق میں چھیڑتی ہوں اسے. تو بھائی اب یہاں پہ آ کے میں نے اپنی چھوٹی بہن کو لگایا ہے کام پہ, اور آتے ہوئے میں نے آپ سے پرومس کیا تھا نا کہ اس نے میرے ساتھ کوئی کام نہیں کرایا, تو یہاں پہ آ کے یہ سارا کام کرے گی. اس کا شکل دیکھیں, دیکھیں ذرا کیا ساری چیزیں. کچھ رہ گیا نا رابعہ, یہ والی بھی اچھے سے رکھو اندر. یہ رکھنے کا طریقہ ہی اندر سے نکل رہا ہے باہر. ہاں یہ پیاری لگ رہی ہے, یہ میری چوائس ہے. ہاں یہ میری چوائس. میں تمہیں پہلے کہی تھی اس کے ساتھ یہی اچھی لگے گی, تم وہ کیوں پہن کے گئی. یہ دیکھو اتنی کیوٹ لگ رہی ہے. توڑ دو, توڑ دو اسے. یہ پتہ نہیں رابعہ کس چیز کی ٹینشن ہے جو اپنے پاؤں لہرائی جا رہی ہے بار بار. اب ہم لوگ یہاں سے شوٹ سے ہو چکے ہیں فری. اوکے, سو کافی سارا تھک ہارنے کے بعد ہم لوگ پہنچے ہیں اپنے ہوٹل, اپنے روم میں, اور یہاں پہ رابعہ میڈم اپنے بستر میں گھس گئی ہے اور مجھے لفٹ نہیں کرا رہی ہے. اتنی شدید والی تھکن ہو رہی ہے کہ اب نو ہمت لیفٹ. سو باقی کا جو روم ٹور ساری چیزیں وہ آپ کو میں کل صبح دکھاؤں گی. ابھی تک کے لیے ہم اس بلاگ کو کرتے ہیں اینڈ. اف یو لائک دس ویڈیو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, کمنٹ, سبسکرائب اینڈ شیئر. پلس مجھے کچھ کھانا ہے, بھوک لگی ہے, تو میں کھانا کھانے جا رہی ہوں. سو اپنا خیال رکھیے گا. آئی ول بی رائٹ بیک وتھ اندر ویڈیو.